हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन रिमूवल इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मीन रिमूवल, जिसकी हम बात करेंगे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है मीन रिमूवल। आइए बात करते हैं मीन रिमूवल पे। तो हम जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे डेटा को यूज़ करते हैं। तो यूजुअली जो रियल वर्ल्ड में हम डेटा से डील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है। लॉट्स ऑफ रॉ डेटा से हम डील करते हैं, और ये जो रॉ डेटा होता है वो डायरेक्टली किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो रॉ डेटा को डायरेक्टली समझ नहीं पाती हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, उस रॉ डेटा को, जो हमारा डेटा जो ऐसे ही रैंडमली हमने डेटा पिक किया हुआ है, उस डेटा को हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है उन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो हमारे रॉ डेटा को पहले जो है उनको प्रिपेयर करते हैं हम, तब जाके हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को उनमें प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। तो जो हमारा रॉ डेटा होता है वो डायरेक्टली अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में अप्लाई करेंगे या मशीन लर्निंग जो आपके मॉडल्स हैं उनमें अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो है वो इनजेस्टिबल हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है? उसको प्री प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स अप्लाई करना होता है हमें। तो एल्गोरिथम्स अप्लाई करने के पहले मशीन लर्निंग मॉडल में जो भी एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं हम, उससे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा को प्रिपेयर करना होता है, डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है, ठीक है? और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 80% टाइम जो है वो डेटा एनालिसिस प्रोसेस का जो है आपका 80% हम प्री प्रोसेसिंग में ही लगाते हैं टाइम, ठीक है? तो जो आपका ज़्यादातर जो अमाउंट में टाइम जाता है प्री प्रोसेसिंग में ही जाता है, बाकी का जो आपका 20% है उसमें हमारा डेटा की प्रोसेसिंग होती है। तो प्री प्रोसेसिंग में यानी डेटा को पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपका जो है, लेकिन ये ज़रूरी भी है हमारे डेटा एनालिसिस जो हमारा फेज है उसमें हमारे डेटा की प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो नेसेसरी क्या है कि हम जो है कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे हम डेटा को प्री प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है? और डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे तो डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी जो है वो हम चेक करेंगे कि उसकी जो डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम मशीन लर्निंग मॉडल्स में उन डेटा को देंगे, ठीक है? अब इसके लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, इनमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं। तो हम जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं मीन रिमूवल की। बेसिकली होता क्या है, जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है, डेटा को पहले हम तैयार करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स में यूज़ करने के लिए। तो जो डेटा हम तैयार कर रहे हैं उनमें हमें बहुत सारा डेटा जो है, कई तरीके का डेटा हम लेंगे, ठीक है? डेटा जो है वो कई टाइप का होगा, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, या फिर नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है? तो नॉन न्यूमेरिक इन द सेंस न्यूमेरिक नहीं होगा, या किसी भी सिंबल्स के फॉर्म में किसी भी तरह का डेटा होता है। तो जो डेटा अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं, उनको हमको क्या करना होता है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उनको न्यूमेरिक वैल्यू ही समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा है उसको हम न्यूमेरिक में लेंगे, प्लस आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह से सेम डेटा उठा रहे हैं तो वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरिएशंस नहीं मिलने चाहिए। अगर सेम डेटा हम अलग अलग जगह से उठा रहे हैं तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन है तो वहाँ पे डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं
स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन या मीन रिमूवल। मीन रिमूवल क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को सेंटर करते हैं, डेटा को एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लाते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, हर एक कैरेक्टरिस्टिक की एवरेज वैल्यू लेते हैं। एक एवरेज वैल्यू को लेके हम डेटा को सेंटर करते हैं, डेटा को कंसाइज फॉर्म में, एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसके जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, अलग अलग जगह से जब हम डेटा ले रहे हैं तो जो वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, उसको हम स्केल अप करते हैं, यानी एक जैसा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डेविएशन ना आए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को स्केल करते हैं, ठीक है। नॉन कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उसको हम कांस्टेंट फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मीन है, मीन को रिमूव करने से हमारा जो डेटा का फीचर है वो हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा, जिससे हमारा जीरो पे वो सेंटर होगा, तो इजीली हम जो भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो हम एक्यूरेट वे में प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। इससे हमारा जो बायस है, फीचर से जो बायसिंग दिख रही है, जो अलग अलग वैल्यूज हमें दिख रही हैं, वो हमें कम हो जाएंगी मीन रिमूवल के थ्रू। तो आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मीन रिमूवल के थ्रू जो डेटा अलग अलग से, डिफरेंट डिफरेंट से, अलग अलग डेटा जो हम अलग अलग जगह से उठा रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कम हो जाएगा मीन रिमूवल से। प्लस हमारा जो डेटा का डिफरेंशिएशन है, जो अलग अलग जगह से हम ले रहे हैं, उसका जो वैल्यू डिफरेंस आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी, बायसिंग कम हो जाएगी। बायसिंग का मतलब है कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, वो कम हो जाएंगी, एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा, तो हमें प्रोसेसिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप फार्मूला की। यहाँ पे हम मीन रिमूवल के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, एक्स स्केल्ड इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस मीन बाई एस टी। यहाँ पे जो आपका मीन है वो मीन ही है, जो हमारे मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ले रही है। जैसे कि हम मैथ में मीन निकालते हैं, नंबर्स का मीन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उसका मीन निकालते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मीन का मतलब है कि डेटा का एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्डाइजेशन या मीन वैल्यू क्या करेगी, मीन रिमूवल से हमारा जो डेटा का फीचर है वो रीस्केल हो जाएगा, ठीक है। एक सिरे से हम उसको स्केल अप कर पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि अगर डेटा को में मीन रिमूवल लगा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने कोई जो है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइब्रेरी को हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डेटा की प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम मीन रिमूवल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उससे रिलेटेड लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम एस के लर्न जो है इम्पोर्ट प्री प्रोसेसिंग। एस के लर्न क्या है, एक लाइब्रेरी है, ये हमारे मशीन लर्निंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको हम अपने प्रोग्राम, आपने मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स में। ये क्या करेगा, बहुत सारे फीचर्स को बताएगा आपको, क्लासिफिकेशन कर देगा डेटा का, रिग्रेशन करेगा डेटा की, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसमें आपके सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM या फिर आपका के मीन, DB स्कैन, ये सारे फीचर्स जो है आपको इस लाइब्रेरी के अंदर, एस के लर्न लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका आउटकम जो आएगा वो आपका डेटा से मीन रिमूवल हो जाएगा, यानी मीन रिमूवल डेटा का हमें मिल जाएगा आउटकम। इसमें हमें क्या मिले, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे हम, मीन डेटा डॉट मीन एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। इस पूरी कोडिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो एक्सिस है उसको जीरो पे सेट कर रहे हैं, और जो हमारा वेरिएशन है डेटा का उसको भी हम जीरो कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन ना हो, एक कंसिस्टेंट, एक एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो मीन फंक्शन क्या करेगा, वो हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है डेटा का दे देगा, जैसे हम डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, वही हमें मीन फंक्शन प्रोवाइड करेगा, उन वैल्यूज का मीन यानी एवरेज वैल्यू जो है वो हमें दे देगा। STD फंक्शन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को रिटर्न करेगा,
और इस तरह से अगर हम जो है वहाँ पे फंक्शन लगाएंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिक में दिख रहा है डेटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम एक बार मीन रिमूवल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार और हम इस पर स्टैंडर्डाइजेशन या मीन रिमूवल लगाएंगे, जिससे जिसमें हम स्केल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो प्री प्रोसेसिंग डॉट स्केल फंक्शन क्या करेगा, डेटा सेट को स्टैंडर्डाइज करेगा या उसमें एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लाएगा, ठीक है। ये मेथड जो है वो डेटा को सेंटर कर देगा, मीन निकाल देगा और एक वैल्यू फिक्स हमें दे देगा, ठीक है। इससे हम फिर हम इस पर मीन रिकैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू, एक एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 111 मिल गया और यहाँ पे मीन स्टैंडर्ड जो है वो जीरो हो गया, यानी डिफरेंस जो हमें वेरिएशन आ रहा था वो जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो इससे हमें मीन रिमूवल हम डेटा का हमने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है मीन रिमूवल, जिससे हम डेटा को सेंटर फॉर्म में एक मीन निकालेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उसी डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।